अब अपने आ गया भिन्नों का जोड़ व्यंजक, भिन्नों का ये देखो, ये था अपना 2+3 बटा, ये भिन्न है तो इसको भी भिन्न बना लो, इसके बटा में एक लिख लो, नीचे एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क है? अब देखिए अपने 1 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे, तो 1 और 5 का लघुत्तम तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, कितना आएगा, 1 का भाग 5 में 2 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 का भाग 5 में 5 बार। अब आगे 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 2 प्लस 5 का भाग 5 में 2 1 बार, 1 को किससे गुणा करेंगे, ऊपर क्या है 3 3 1 10 और 3 कितने हो गए 13/5। ये हो गई ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो अनुचित भिन्न क्या हो गई, इस अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, 13 में 5 का भाग 2, 1 5 5 2 5 10, 3 5 5 ज्यादा हो गए, 5 2 10 बचे 3, यहां लगाओ 3, ये देखो ये हो गए 2 सही 3 बटा, ये हो गई मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को वापस अनुचित में बदलेंगे, ये हो जाएगा 5 2 10 10 3 13 13 बटे, ठीक है, मिश्र को अनुचित बदल सकते हैं, अनुचित को मिश्र में बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये 4+7/8, 4 के बटा में 1 कर दो, 1 और 8 का लघुत्तम, तो लघुत्तम 8 ही आएगा, तय है 1 का भाग 8 में 2 8 बार, 8 को 4 से गुणा करो, 8 चौका 32 प्लस 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार, 1 को 7 से करेंगे 7 32 7 39 बटे 8। अब देखो इसकी बड़ी बड़ी ऊपर वाला अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो अनुचित भिन्न है, क्या है अनुचित भिन्न को अपने मिश्र में बदल देते हैं, 39 भाग 8 8 चौका 32 बचे कितने, लगाओ लाइन ये 7 और ये 8, क्या लिख देंगे 4 सही 7/8। इस अनुचित की ये मिश्र है, इस मिश्र की ये अनुचित है, वापस देखो 8 चौका 32 7 39 39 बटा 8 हो गया, 3/5 प्लस 2/7, 5 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे, 5 और 7 देखो आप 7वीं क्लास में बार बार लघुत्तम निकाल के नहीं बता रहा हूं, 5 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे, दोनों अभाज्य है तो दोनों को गुणा कर दो, 5 7 लघुत्तम 35 आएगा ना, क्योंकि दोनों ही अभाज्य है, 5 का भाग दोगे 35 में 7 बार, कितनी बार, 7 को कितने से गुणा करेंगे, 3 से 7 किया प्लस 7 का भाग दोगे 35 में 5 बार, 5 को 2 से करोगे, 5 2 10 ये 21 था ना, 21 10 कितने हो गए 31/35। अब तो नहीं है ये अनुचित तो नहीं है ना, कौन सी है, उचित है, कौन सी है, तो इसको मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते क्योंकि ऊपर वाली छोटी है नीचे वाली बड़ी। अब देखिए ये आ गई मिश्र, इसको सबसे पहले तो अपने को अनुचित में बदलना पड़ेगा, 8 2 16 1 17/2 माइनस 3 8 24, 24 और 5 29/8, 2 और 8 का लघुत्तम निकालो, 2 1 2 4 2 8 2 1 2 2 1 1 2 × 2 × 2 2 × 4 4 × 8 2 का भाग 8 में देंगे, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 4 बार, कितनी बार, 4 को कितने से गुणा करेंगे 17 से, 17 चौका 68 माइनस 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार, 1 को 29 से करेंगे, 29 से कम, अब घटा लो ये माइनस है, यहां से इसने 18 18 में से 9 गए 9, यहां बचे 5 5 में से 2 गए 3 बटा में 8। अब ये देखो वापस अनुचित भिन्न आ गई, अनुचित को मिश्र में बदल दो, 8 चौका 32 बचे 7, कितने हो गए 4 सही 7/8। अब देखिए आगे बड़ा सवाल इसका, फिर हो गया अपना 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, ये देखो मिश्र भिन्न है, सबसे पहले इसको अनुचित में बदलेंगे, 2 का 3 का बड़ा 2 बार, 3 2 6 6 2 8, 8/3 प्लस 3 2 को 3 बार, 2 3 6 6 1 7/2, 7/2, नीचे देखो दोनों ही अभाज्य है, दोनों अभाज्य है क्योंकि 3 में ही खुद का आ जाता है, 2 में ही खुद का ही, दोनों को गुणा करो लघुत्तम आ जाएगा, 3 2 आगे 3
तीन का भाग छह में दो, दो भाग दो को आठ से करो, आठ दूनी इधर रखा ज्यादा ना घुमाएगा, एकदम ना घुमाएगा। दो का भाग छह में देखे तीन भाग, तीन को सात से करेंगे सात या, अब जोड़ लो छह रेख है सात, दो रेख है तीन, बटा में कितने हो गए, हो गए ना है, हुए नहीं हुए। अब अपने गलत तो नहीं कर गए, सही है। अब देखो अपने ये हो गया, अब सैंतीस बटा छह, छह छिका छत्तीस, बचे कितने लगाओ एक ही है, कितना हो गया छह सही है बटा छह, ये अनुचित है, ये मिश्र है, ये इस मिश्र की अनुचित है, छह छिका छत्तीस है सैंतीस बटा होगा ना। अब अपने आगे बढ़ा चलते हैं, तीन संख्या आगे बढ़ा, सात बटा दस प्लस दो बटा पांच प्लस तीन बटा दस, पांच दो इसका लगत निकालो, दस पांच और दो, दो का भाग देंगे पांच, पांच का पांच दो एकम दो पांच, एक एक दो गुणा पांच, लघुतम आ गया दस, कितना आ गया, आ गया ना। दस का भाग दस में देंगे एक बार, दस का भाग दस में एक को सात से करेंगे सात, पांच का भाग दस में देंगे एक पंजा पंजा दो पंजा दस, दो बार दो को दो से करेंगे दो दुणी, दो का भाग दस में देंगे पांच बार, पांच को तीन से करेंगे पांच किया, पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस और सात है छब्बीस, बटा कितने हो गए, ऊपर वाली बिन अंक बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो ये अनुचित बिन है, अनुचित को मिश्र में बदल दे, छब्बीस में दस का भाग लगाओ, दस दुणा बीस, बचे छह, दो सही छह बटे दस, ये देखो फिर कट सकता है, छह और दस कटते हैं ना, तीन दूणी पांच दूणी कितने हो गए, दो सही तीन बटा पांच, दो सही तीन बटा पांच, कर सकते हैं।